आगे नहीं जा रहे आप तो आंटी रुक जाओ साइड में लाप ये गाड़ी निकलेगी इसके सामने से ये इधर से आप जाओ गाड़ी निकलेगी ये गाड़ी निकलेगी बाबा डॉक्टर ले जाते बेसियाल हाथ तो अल इधर हो जाओ अपन पीछे बस
परानी उतरे वो पूरे से पूरा उतरे परानी लगा रहा भाई वो है प्यार हो पुराने उतरे भाई पुराने पराने पराने उतरे बेटे बेटे मरवा दिए उड़ान तड़के करीब 3 बजे के आसपास हमारे विधायक माननीय रामपाल जी चौधरी जी हृदय गति रुकने की वजह से निधन हो गया। उनका ट्रीटमेंट लीवर इन्फेक्शन का वेदांता में गुड़गांव चल रहा है। उनके जाने से क्षेत्र और कार्यकर्ताओं को बहुत ही आघात क्षति पार्टी और नेता किसानों का मसीहा गरीबों का साथी रामपाल चौधरी भैया जिसकी कभी भी क्षति पूरी नहीं हो सकती और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आम लोगों के लिए गरीबों के लिए बहुत बड़ी क्षति जिसकी क्षति पूरी नहीं हो सकती। हाँ मेरे साथ रहे और फील्ड में रहने वाले व्यक्ति थे, मजबूत आदमी थे, जमीन से उठे हुए थे। तो अभी अभी मुझे जो सूचना मिली है कि उनका आकस्मिक निधन हो गया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और पूरे परिवार उनके समर्थक जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको आत्मबल दें। बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अलवर जिले से विधायक धर्मपाल जी चौधरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से न केवल उस क्षेत्र को बल्कि पूरी प्रदेश की जनता को बड़ा आघात लगा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश उनकी कमी महसूस करती रहेगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो सच्चे जननेता थे, उन्होंने 3 चुनाव लगातार जीते 2003 में, 8 में, फिर उसके बाद 13 में और जनता के बीच में एक उन्होंने गरीबों के मसीहा और एक लोकनायक की जो छवि बनाई थी वो एक अमिट छवि रही है और पार्टी के लिए भी संगठन के लिए भी हमेशा वो जुझारू रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ ही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार पे जो ये आघात हुआ है, दुख हुआ है और उस क्षेत्र की जनता को भी जो ये दुख हुआ है, भगवान उनको ये दुख सहन करने की क्षमता देगा। दाएं हाथ माने जाने वाले आपकी सरकार धर्मपाल चौधरी का और मेरा एसोसिएशन पिछले 40 सालों से रहा और कार्यकर्ता की हैसियत से हमने काम किया, कांग्रेस में काम किया, फिर हम भारतीय जनता पार्टी में आए। मेरा अनुभव धर्मपाल के लिए ये रहा, बहुत ही निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ और एक कुशल विधायक के रूप में उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में भूमिका निभाई। तो जात बिरादरी से ऊपर उठ करके सर्व जातीय नेता थे और बहुत निडर थे और दुख सुख में गरीबों के हितों के लिए वो हमेशा अग्रणी रहे और जब भी मुझे उसके सहयोग की कभी आवश्यकता पड़ी हमेशा खड़ा रहा।
इतना राजनीति में लंबा एसोसिएशन होना बहुत अपने आप में एक मिसाल है और मेरे लिए तो बहुत व्यक्तिगत क्षति है, प्रदेश की जनता के लिए क्षति है, अलवर जिले के लिए क्षति है, मुडावर के लिए तो ही है और भगवान उनके शौक उनके परिवार को जो है ढाढ़स बंधाए, हिम्मत दे और वो उनके अधूरे कामों को पूरा करें, आगे बढ़े, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, इसलिए पुलिस अच्छा काम करें, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जो है इन बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं कि 36 कौम को साथ लेकर इकट्ठा करके हम चलें, उसी के आधार पर मैं काम करता हूँ। जाति पाति भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है कि किसी भी आदमी को तो जो है मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मेरे सामने खड़े होकर कह सकता है। हमारे ऐसे लोग भी रहे हैं पहले जिन्होंने यहाँ पर कितनी जो है गुंडागर्दी की है और कितनी ज़मीनों के जो है उन्होंने घपले भी किए थे, लेकिन हमने उनको आज तक इसलिए दिया कि कीचड़ में पत्थर डालने से कुछ रूप नहीं। बस जाऊं? नहीं नहीं, अभी एक मिनट तो रुका, फिर जो कर ले हमसे बात। तो 35 साल से संगठन में रुके हुए हैं, हमसे 5 मिनट रोक रहे हैं। ना ना, मेरा यहाँ आना कम ही है। हाँ, वैसे तो है। जो समर्पित भाव से, ईमानदारी से, जाति पाति से दूर हटकर और लोगों में जोड़ने की भावना पैदा करे और अच्छा संगठक हो और लोगों में थोड़ा काम किया हो, थोड़ा लोगों का विश्वास हो, पॉपुलर हो, वो होना चाहिए। देवी सिंह पार्टी काफी पॉपुलर है। नहीं, मैंने कोई पार्टी में मुझे पद नहीं लेना है, स्पष्ट है मेरा। 2018 में चुनाव है। पिंडूनाथ विजय भाई उनका तो, और रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है।